हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ICICI बैंक के BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स का पूरा नाम बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है, इसको हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स बोल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऑफर करता है ICICI बैंक। तो दोस्तों, ये अकाउंट बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों से कोई भी इंटीरियर डिपॉजिट नहीं करवाया जाता है। और दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप सिंगल में भी ओपन करवा सकते हैं और ज्वाइंट में भी इसको ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स में ICICI बैंक आप लोगों को रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को पासबुक भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग ICICI बैंक से रिक्वेस्ट करते हो, तभी आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप इस सेविंग्स अकाउंट्स में फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ICICI बैंक आप लोगों को ऑफर करता है इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बेसिक सर्विस चार्जेस की बात करें, जो कि आप लोगों को जेन्युइनली देना होता है ICICI बैंक को, तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप लोगों को जो भी चार्जेस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना होता है, सेम वही चार्जेस आप लोगों को इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चार्जेस पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी ICICI बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।